हेलो, हाय, नमस्ते और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल जीरो व्लॉगर्स में। आज का जो ये हमारा व्लॉग रहेगा कि बहुत ही स्पेशल व्लॉग रहेगा, पर इससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमारी पहली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया। तो चलिए अब इस व्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो ये व्लॉग है, ये एक शिव जी की गुफा है जिस जगह का नाम जो है वो महानाल है, और इस मंदिर को कहा जाता है महानाल मंदिर। तो महा तो आ गया, यहीं से आप समझ चुके होंगे कि ये शिव जी का ही मंदिर था। पर इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो शिव जी हैं वो आप शंभू के रूप में जो हैं प्रकट हुए थे, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करता है या कोई भी कुछ मांगता है अपने लिए, किसी के लिए या कुछ भी, वो ज़रूर पूरा होता है। और ये एक बहुत ही प्यारी गुफा है। पर इससे पहले ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कठुआ से महानाल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 26 किलोमीटर के आसपास का है, पर बीच में रास्ता ख़राब होने की वजह से तो थोड़ा वक्त हमें, मान के चलिए आप एक घंटा और कुछ 25 मिनट के आसपास लगे। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, हमने जसरोटा माता के बारे में आपको जानकारी दी थी कि एक बहुत ही अच्छी जगह, तो बस उसी जसरोटा माता से आगे हमें फॉलो करना होता है कुछ 10 किलोमीटर का एरिया। इस 10 किलोमीटर के एरिया में रास्ता भी अच्छा है, बस बीच में हल्का सा एक स्ट्रेच जो है 1-1.5 किलोमीटर का वो ख़राब आता है। तो अब यहाँ से बीच में हमने सोचा कि 5 मिनट का हॉल्ट ले लें, आप यहाँ से व्यू देखिए, सीनिक व्यू, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आपको सामने की ये सड़क दिख रही है, ये सड़क पहले नहीं थी, ये सड़क अभी हाल ही में बनाई गई है, और वो भी पहाड़ काटकर, क्योंकि पहले यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था दरिया से होकर, और वो काफ़ी ख़राब रास्ता है। और कभी जैसे मान लीजिए आपकी बारिश हो चुकी है, तो उस रास्ते से तो हम गुजरने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम वहाँ से गुजर सकते थे, क्योंकि इतना पानी आ जाता था। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सामने आपको गुफा में ये इतना सा एरिया दिख रहा है, इस एरिया में ऐसा माना जाता है कि किसी वक्त में पुराने टाइम पर यहाँ पर दूध निकला करता था, और अब यहाँ पर तो पानी है सिर्फ, और ये पानी भी जो है 2400 घंटे चलता रहता है, और इस पानी के लिए एक अलग से रास्ता निकाल कर इस पानी को दरिया में मिला दिया गया। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि जितना आपको मंदिर की साफ़ सफाई वाल दिख रही है, और जितना मंदिर के आगे पीछे की देख रेख, जितना सब आप देख पा रहे हैं, इस सभी को जो मैनेज करती है वो यहीं की कमेटी है, और वो कमेटी भी लोकल्स की ही बनाई हुई कमेटी है। पर अब तो काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, पंजाब से भी लोग आए हुए थे इस बार, और ये भंडारा जो है ये पंजाब के ही लोगों का करवाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा बेहतरीन जो ये भंडारा था
बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है सबको। हम आज की अपनी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हाँ साथ ही आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो। धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे।